तरीके से राहुल गांधी से जाति की जाति पूछी, जिसको खुद की जाति के बारे में नहीं पता, वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जिसको लेकर के अक्सर कांग्रेस हो या फिर अखिलेश जी हो, सब इसका विरोध कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, किसी को जात पूछने का अधिकार नहीं है, ये अनुराग ठाकुर की अज्ञानता है, इससे बड़ी चीज और क्या कह सकते हैं? बेवकूफी तो हम नहीं कह सकते भाई, लेकिन अज्ञानता है, ना समझी है। किसी को जात पूछने का अधिकार नहीं है, वो भी हाउस में। पीएम मोदी ने भी इस बात का सपोर्ट किया सर, बकायदा ट्वीट को रिट्वीट किया है। अब मोदी जी क्या करते हैं भैया, क्या नहीं करते हैं, सारा देश समझता है। धन्यवाद सर। कल एक कानून पास हुआ है लफ्ज जिहाद को लेकर के, इस पर सख्त है यूपी गवर्नमेंट। देखिए, ऐसा है, आज देश के सामने, प्रदेश के सामने महंगाई का बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है। हमारे देश की दौलत हमारे युवा हैं, हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं है। आज हमें इस पर चिंता करना चाहिए, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, भ्रष्टाचार पर ध्यान चाहिए। उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास है, एक दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री दिया है, हमारे लायक प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी वही चाहते हैं। तो ये सब मुद्दे हैं। आज किसानों को सांगों से बचाने की समस्या है, 5,000 से ज्यादा किसानों को सांगों ने मार दिया है, इसकी समस्या है। तो इस पर सब पर ध्यान न दे करके अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह का अधिनियम ला रहे हैं, किससे लोगों का ध्यान इस पर जाए, चर्चा उनकी नाकामियों न हो, उनकी विफलताओं न हो, चर्चा इसी सब पर बात हो, बस। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।